चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बच्चे का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ का। वो बोल रहा है कि सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1x^x इज e^1e, है ना। आपको प्रूफ करना है कि सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1x^x इज e^1e। मतलब आप बेसिकली आपको y=1x का पावर x दिया हुआ है और इसमें शो करना है कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो 1e^1e है। सबसे पहली बात कि अगर हम इससे आपसे पूछे कि इसमें डोमेन क्या होगा, डोमेन की बात करें तो क्या होगा, तो कुछ लोगों को लगेगा कि x जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। लेकिन उन्हें बता दें कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहता है e^x, है ना, तो x कुछ भी डाल सकते हो लेकिन a पे पाबंदी होता है। a हमेशा जो होता है एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि पावर से बेस डिप इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि x अगर कोई भी रियल नंबर डालोगे, 1/2 डालोगे, तो वो a पे आएगा, और a अगर नेगेटिव नंबर डाल दिए जैसे -2, उस पर 1/2 दिक्कत कर जाएगा, चाहे 1/4 भी दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं होता है। इसलिए आप बात जान लें कि ये जो अगर एक्सपोनेंशियल में बेस भी अगर x के फॉर्म में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात। जीरो तो वैसे भी नहीं होगा। तो डोमेन की बात करें तो डोमेन इसका आ गया हमारा x बिलोंग्स टू 0 to infinity, ये आया। दूसरी बात, अब क्या करते हैं ना हम, इसका रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। रेंज निकालने का मतलब क्या हुआ कि क्या ये फंक्शन 1/x और पावर x में कहीं ब्रेक आएगा 0 से infinity के बीच में, नहीं, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे इसको दिक्कत था या नेगेटिव पे दिक्कत था। तो आप डोमेन को ही अगर 0 से infinity ले लिए तो आप तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे dy/dx 0 होता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ग्राफ ऐसे हो जाए तो dy/dx 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी मैक्सिमम मिल सकता है, ऐसे करके ग्राफ जा सकता है ना। मतलब मैक्सिमा मिनिमा कहाँ मिल सकता है, या तो एंड पॉइंट पे, या रेंज निकालना है तो सब में तो यही काम करना पड़ता है कि या तो एंड पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा या dy/dx 0 जहाँ होगा वहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले इसका dy/dx निकालते हैं। तो हमको y बराबर दिया हुआ है 1x^x, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे यदि हम तो हमको वेरिएबल का पावर वेरिएबल मिलेगा। तो सबसे पहले हमको लॉग लेना पड़ेगा, तो ln ले लेते हैं दोनों साइड। तो ये 1x^x है, यहाँ पे ln लेना है, तो ln लेंगे तो आप पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x(ln)(1/x) और ये हो जाएगा ln y। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, या फिर एक और स्टेप कर लेते हैं, ln 1/x को हम लिख सकते हैं ln x^-1। अब ये -1 तो बाहर आ जाएगा, तो -x(ln x) लिख सकते हैं ln y को। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/y ln y का, और y का हो जाएगा dy/dx, और फिर माइनस बाहर रहेगा, u इंटू v फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन, u का डिफ्रेंशिएशन 1 ln x एज इट इज, प्लस x एज इट इज ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, ये कट जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि dy/dx है वो कितना आया, तो माइनस y, क्योंकि ये y इधर जाएगा, इंटू ब्रेकेट में x plus ln x, क्योंकि x तो कट चुका है। तो यहाँ से ये पता चला, अब y का वैल्यू आप यहाँ रख दो, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस, और y का नाम है 1x^x, और यहाँ हो जाएगा 1 plus ln x। अब हम dy/dx का साइन स्कीम निकालते हैं, क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएट करके कनकेविटी चेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। dy/dx का साइन स्कीम निकालते हैं, उसी के साइन स्कीम से हमें पता चल जाएगा कि कहाँ मैक्सिमा मिलेगा कहाँ मिनिमा मिलेगा। एक बात और,
साइन स्कीम निकालते समय ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि a का पावर x में ये बेस 1 से छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा ग्राफ अगर 1 से बड़ा हो बेस तो ये बनता है, और 1 से छोटा हो बेस 0 और 1 के बीच में हो तो ये बनता है। तो कुछ भी हो, एक्सपोनेंशियल अगर है ये तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका रेंज आपका 0 से इन्फिनिटी दिखाई देता है, दोनों का एक इंक्रीजिंग होता है और एक डिक्रीजिंग होता है। तो ये साइन स्कीम में कोई रोल पैदा नहीं करेगा, इसको 0 से इक्वेट करता है। तो 1 प्लस ln x को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो ln x का वैल्यू आ जाएगा हमारा -1। तो यहाँ से e छुपा रहता है, तो log से पढ़ाया गया कि आर्गुमेंट बराबर क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट ये जो नीचे रहता है वो नीचे रहता है पावर -1, तो x इज इक्वल टू 1/e। तो साइन स्कीम जब बनाएंगे तो यहाँ पे 1/e होगा। अब अगर देखें तो सबसे पहले माइनस लगा हुआ है और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जब dy/dx का साइन स्कीम निकालेंगे, साइन स्कीम ऑफ dy/dx, तो हमें क्या पता चलेगा कि सबसे पहले माइनस से होगा फिर प्लस होगा। क्यों माइनस से? क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो कभी भी अगर पूरे होल चीज़ पॉजिटिव और एक माइनस लगा हुआ हो, तो अगर जब हम ये पॉइंट निकालते हैं जिससे रूट्स जीरो होते हैं, उसके बाद माइनस आएगा, उसके पहले प्लस आएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए पहले भी, ठीक है ना। तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ। अब dy/dx का प्लस टू माइनस होने का मतलब क्या? ग्राफ कुछ इस तरह से होना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ग्राफ कुछ इस तरह से होना। क्यों? क्योंकि इस तरह से होता है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव dy/dx जाता, जबकि पॉजिटिव टू नेगेटिव गया है। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब क्या? dy/dx स्लोप एक्यूट होना चाहिए ना, तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये बात तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको इन्फिनिटी पे भी मिल सकता है, जीरो पे भी मिल सकता है, या फिर 1/e पे भी मिल सकता है। मतलब अब आपके पास तीन पॉइंट्स हुआ, क्रिटिकल पॉइंट्स, जो जीरो हुआ, जीरो प्लस हुआ, इन्फिनिटी हुआ एंड 1/e हुआ, जिस पे कि मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है, ठीक है। तो अब चलिए एंड पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी बहुत खास होने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि देखिएगा क्या खास बात होगा। जब हम जीरो प्लस पे वाई का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा मेरे साथ प्रॉब्लम, देखिएगा। मतलब कि x टेंडिंग टू जीरो प्लस पे हमको y का वैल्यू चेक करना है, मतलब 1/x का पावर x। तो ज़रा जीरो प्लस आप इसमें डाल के देखो, जब तुम जीरो प्लस डालोगे तो 1/0 प्लस का पावर 0 प्लस, तो 1/0 प्लस तो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का पावर 0 प्लस 0 टेंडिंग, ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। इन्फिनिटी का पावर 0 या जीरो का पावर 0, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आप डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते। तो यहाँ पे फिर लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब आपको क्या करना होगा, ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया इन्फिनिटी का पावर 0, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको लॉग लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो ln y इज इक्वल टू x इंटू ln 1/x। अब आप क्या कर लो, लिमिट डाल दो दोनों तरफ, है ना, लिमिट डाल दो दोनों तरफ, क्या डायरेक्ट अब यहाँ पे ln y बराबर लिख दो, ln y बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। तो 0 प्लस जब डालेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू डाल के देखो पहले, ये 0 प्लस होगा इंटू 0 प्लस इंटू यहाँ ln 1/0 प्लस जो होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं अब ln इन्फिनिटी, तो ln का ग्राफ बना के देखते हैं तो इन्फिनिटी होगा, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आता है, तो या तो 0/0 फॉर्म बना के आप क्वेश्चन बनाओ, या infinity/infinity बना के क्वेश्चन बनाओ, है ना, जैसे बनाना है LHospital रूल लगाया हो, लगाना है LHospital रूल लगाओ, जैसे ही फॉर्म ख़त्म होगा तब आप वैल्यू डाल पाओगे, ऐसे नहीं डाल पाओगे। तो अब यहाँ पे क्या करें, तो सबसे पहले इसको क्या लिख दो कि ln 1/x रहने दो, और इस x को आप 1/x लिख दो, ये x वापस आके यहाँ आ जाएगा,
इससे फायदा क्या होगा कि ये इन्फिनिटी टेंडिंग बाई इन्फिनिटी टेंडिंग होगा, क्योंकि ये जीरो प्लस डालेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, एल एन इन्फिनिटी इन्फिनिटी को जाता है, फिर यहाँ वन बाई जीरो प्लस, ये भी इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है तो हम अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल भी कहते हैं, तो क्या हो जाएगा एल एन वाई इज इक्वल टू ऊपर का डिफ्रेंशिएशन एल एन वन बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो वन बाई एक्स, तो वो ऊपर आ जाएगा एक्स, क्योंकि इसका भी रेसिप्रोकल लोगे ना, फिर वन बाई एक्स मिलेगा तुम्हें, तो वन बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे वन बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो ये माइनस बचेगा, ये माइनस बचेगा, प्लस हो गया, यानी कि ये एक्स हुआ। तो लिमिट अब डाल दो, लिमिट जीरो प्लस का मतलब जीरो, तो एल एन वाई इज इक्वल टू जीरो आया या जीरो प्लस आया, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, अब जीरो प्लस नहीं डाल सकते हम, डायरेक्ट जीरो आंसर होगा, क्यों, क्योंकि जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है तभी तक जीरो होता है। तो एल एन वाई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ ई छुपा रहता है, तो वाई बराबर ई का पावर जीरो, मतलब वाई बराबर वन। ये तो कन्फर्म हो गया कि ये वाई का वैल्यू वन दे रहा है ना, वाई का वैल्यू वन दे रहा है। अब इन्फिनिटी पे चेक करते हैं कि वैल्यू क्या आता है, क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है। इसको मिटाते हैं, अब लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन बाई एक्स का पावर एक्स, क्योंकि तीन ही एंड पॉइंट है ना, एक जीरो प्लस है, एक इन्फिनिटी है और एक वन बाई ई है। यहाँ पे ये तीन पॉइंट पे चेक करना है, पहला पे चेक कर चुके, दूसरा पे चेक करना है। जब इन्फिनिटी डालेंगे तो वन बाई इन्फिनिटी जीरो प्लस होगा, और जीरो प्लस ऊपर पावर इन्फिनिटी, ये क्या हुआ, वन बाई इन्फिनिटी जीरो प्लस और पावर इन्फिनिटी, ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता, क्योंकि जीरो का पावर जीरो इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है और इन्फिनिटी का पावर जीरो, तो ये आंसर जीरो की तरफ ले जाएगा। ये बात पता चल गया, यानी कि इन्फिनिटी पे मतलब वैल्यू जीरो है, मतलब आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना था, तो एक वैल्यू आया जीरो, एक वैल्यू आया वन, तो अभी तक के मैक्सिमम में तो वन ही दिखाई दे रहा है। अगला देखते वन बाई ई पे, क्योंकि वन बाई ई पे भी तो मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है, क्योंकि ये लोकल मैक्सिमा दे रहा है, देखते हैं। तो अब क्या डालना है, डायरेक्ट वाई बराबर, हमको क्या डालना है, एक्स बराबर वन बाई ई, तो वन बाई ई डालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई ई, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, एक्स वन बाई एक्स का पावर एक्स, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वन बाई ई डालेंगे जब यहाँ पे हम लोग, तो वन बाई ई का मतलब पड़ेगा, तो वन बाई एक्स है तो ई हो जाएगा, और यहाँ पे वन बाई ई। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इन में और वन में मैक्सिमम कौन है, ई में और ई का पावर वन बाई ई में और वन में मैक्सिमम कौन है, तो इसको कैसे पता करेंगे। तो ई का पावर वन बाई ई का ग्राफ अगर बनाएं हम, या फिर ऐसे सोचो कि ई का पावर अगर ई होता जीरो होता तो वन होता है कि नहीं, लेकिन ई का पावर वन बाई ई है तो कुछ जो नंबर है वो जीरो से तो बड़ा है, वन बाई ई, और आपको पता है कि ई बेस में वन से ज़्यादा है तो उसका ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, तो जीरो पे वन है तो वन बाई ई कुछ ज़्यादा है, यानी कि यही मैक्सिमम होगा। तो हो गया प्रूफ, ठीक है ना, तो बस प्रूफ लिख देंगे, हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन बाई एक्स टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर वन बाई ई, ये आपका आंसर हो गया। जरूर बताना कमेंट में कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं, और नहीं समझ में आया तो किस पॉइंट पे आपको दिक्कत हुआ इसको भी आप बताओगे, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही रहने देते हैं।